श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। रवि प्रदोष जो रविवार के दिन पड़ता है, उस प्रदोष को रवि प्रदोष कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं। सब प्रदोष जो किसी भी बार को पड़े, प्रदोष का व्रत करना, प्रदोष के दिन महादेव की पूजन करना, पार्वती जी की पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी मनोकामना के लिए यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं उत्तम होता है। लेकिन रवि प्रदोष सर्व कामना पूर्ति प्रदोष कहा जाता है। कैसी भी मनोकामना हो आपकी, कैसी भी इच्छा हो, सभी इच्छाएं आपकी रवि प्रदोष का व्रत करने से, यदि व्रत नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ पूजन मात्र करने से आपका हर कार्य सिद्ध होता है। और रवि प्रदोष के दिन नियम पूर्वक यदि व्रत रखते हैं तो जीवन में सुख शांति और लंबी आयु प्राप्त होती, धन प्राप्त होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष का सीधा संबंध सूर्य से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। इसे चंद्र और सूर्य अच्छा फल देने लगते हैं। भले ही वे कुंडली में नीच होकर भी बैठे हुए हैं, नीच ग्रह में भी बैठे हुए हों, सूर्य ग्रहों का राजा होता है और रवि प्रदोष करने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियाँ दूर हो जाती है। यह प्रदोष सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम यश और सम्मान भी दिलाता है। यदि आपकी कुंडली में अपयश का योग भी है तो आप यदि प्रदोष का व्रत करते हैं या पूजन करते हैं, आपका जो अपयश का योग पड़ रहा है वह नहीं कार्य करेगा। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आते और जीवन में हमेशा धन समृद्धि बनी रहती है। रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अति शीघ्र कार्य सिद्धि होकर अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य और शीघ्रता से पूरी होती है। दोस्तों, प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में ये कथा इस प्रकार है कि चंद्र को क्षय रोग था जिसके चलते उन्हें मृत्युतुल्य कष्टों में जीना पड़ रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण करके उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया, अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। और प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है। यदि जो व्रत करके शाम को फलियार लेते हैं, प्रदोष काल में पूजन करने के बाद फलहार लेते हैं, उनके लिए ये नियम नहीं लागू होता। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यदि आप प्रदोष व्रत में एक समय भोजन करते हैं तो आप हरे मूंग का सेवन करें, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाकिनी को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास और फलाहार भी कर सकते हैं। प्रदोष के दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कर्म से निपटने के बाद सफ़ेद रंग के यदि वस्त्र धारण कर सकते हैं या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा घर को साफ और स्वच्छ करें, शुद्ध करें। गाय के यदि आपके घर में गाय का गोबर लीपा जाता है तो आप गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार करें। इस मंडप के नीचे आप 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि रंगोली बनाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। जहाँ साउथ में सबसे ज़्यादा, जहाँ रामेश्वरम जी के आसपास, वहाँ के लोग इस दिन रंगोली बनाते हैं, उसमें 5 रंगों का उपयोग करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया जाता है, उन्होंने जवाब दिया कि इससे घर में कभी धन अन्न की कमी नहीं होती, बरकत बनी रहती है। और इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिव जी की पूजन करनी चाहिए। पूरे दिन किसी भी प्रकार का यदि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहें तो आप फलहार ले सकते हैं, नहीं तो एक टाइम भोजन करके आप व्रत पूर्ण कर सकते हैं। वैसे तो माह में 2 प्रदोष होते हैं, अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोषों की महिमा अलग अलग होती है, लेकिन जो रवि प्रदोष होता है वो अपने आप में एक पूर्ण प्रदोष होता है। और ये व्रत जो करता है या इस दिन भगवान शिव की पूजन करता है उसकी सर्व कामना सिद्ध होती है। इसे भानु प्रदोष भी कहते हैं, रवि प्रदोष भी कहते हैं।
और इसका संबंध सीधा सूर्य से होता है। सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश, सम्मान, साथ ही सुख, शांति, लंबी आयु, धन, ऐश्वर्य सभी की प्राप्ति आपको कराता है। यदि आप संकल्प लेकर पूरे साल भर के किसी विशेष इच्छा से, किसी विशेष मनोकामना से साल भर के पूरे प्रदोष व्रत करते हैं, आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होती है। 26 जून को जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है, रवि प्रदोष व्रत, उसका पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को 7:23 से लेकर 9:23 तक रहेगा। इस दिन आप व्रत रखने के साथ साथ कुछ उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो आप प्रदोष व्रत के दिन गाय के दूध में केसर, थोड़ी सी केसर घोल लें और पुष्प, कोई से भी पुष्प डाल सकते हैं, डाल दें और उसे भगवान शिव का उस दूध से अभिषेक करें। इससे पति और पत्नी के बीच के संबंध मधुर रहते हैं। यदि आपका विवाह संपन्न नहीं हुआ है और आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो इस प्रकार यदि शिव जी का अभिषेक करते हैं, आपको मनचाहा जीवन साथी मिलने की पूरे पूरे संभावना बनती है। आप इस उपाय को अवश्य कर देखें। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है, विशेष मनोकामना है, तो आप एक बेलपत्र लें। बेलपत्र कहीं से कटी फिटी नहीं होना चाहिए, साफ स्वच्छ जल से धो लें और उस पर ओम, ओम बीच वाली जो पत्ती होती है उसमें ओम शब्द लिखकर और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। इस उपाय को करने से जो भी आपकी मनोकामना है, आपको ये प्रदोष काल में करना है, आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यदि आप किसी बड़ी बीमारी, असाध्य रोग की चपेट में हैं, यदि आपका परिवार का कोई सदस्य किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित है, कोई विकट समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा, तो आप रवि प्रदोष के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते हैं और इस मंत्र का जाप करने में सबसे पहला ध्यान आपको ये देना होगा कि इसका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, उच्चारण में कोई गलती नहीं होना चाहिए। यदि आप स्वयं नहीं कर पाते हैं तो आप किसी विद्वान पंडित से, आप जैसे 1000 मृत्युंजय मंत्र या आप गिनती से जितना वो बताएं और जितना आप करवा सकते हैं उस मंत्र का जाप अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपके जो असाध्य बीमारी है, जो रोग है, वह धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। यदि कोई कोर्ट केस का मामला है, जमीन जायदाद से संबंधी कोई झगड़े चल रहे हैं, तो प्रदोष रवि प्रदोष के व्रत के दिन गंगा जल में थोड़े से अक्षत मिला लें, अक्षत मतलब बिना टूटे चावल, और भगवान भोलेनाथ का इससे अभिषेक करें। आप पे शिव कृपा इतनी अच्छी होगी कि आप जो भी आपके ऊपर केस चल रहा है उस वो आपके फेवर में आ जाएगा। बस शर्त यह है कि आप सही होना चाहिए। अनजाने भय से आप डरे हुए हैं, शरीर शक्तिहीन लगता है, आत्मविश्वास की कमी है, तो आप प्रदोष व्रत के दिन शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इसका 108 जाप करें। मंत्र जाप आप रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला से कर सकते हैं, इससे आपको शीघ्र लाभ होगा। और जब आप जाप करने बैठे उससे पहले आप ये शिव मंदिर में करते हैं, यदि नंदी के समीप बैठकर, तो आपका ये कार्य ज़्यादा जल्दी सिद्ध होता है। और आप नंदी के कान में ही सीधे तरफ के कान में आप दूसरे कान पर हाथ रख लीजिए नंदी बाबा के, और सीधे कान में कहें कि मेरी ये समस्या है, मैं शक्तिहीन, अपने आप में शक्तिहीन महसूस होने लग गया है मुझे और मैं परेशान हूँ, मेरी ये परेशानी, भोलेनाथ से आप विनती कीजिए कि मेरी ये परेशानी दूर हो जाए, और फिर इस मंत्र का 108 जाप करें, एक माला। आप देखना कितनी जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, परिवर्तन दिखने लगेगा। और दोस्तों, जो मैं अब बताने जा रही हूँ, आज का बोनस उपाय, जो सबसे श्रेष्ठ उपाय है, यदि आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कलह रहती है, सुख समृद्धि नहीं आ रही या बरकत नहीं हो रही, कैसी भी समस्या है, तो आप प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को थोड़ा सा जौ का आटा अर्पित करें। आप किसी बर्तन में लेकर, कोई कागज में लेकर, कुछ उसमें लेकर आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद विनती करें वहाँ शिव जी के पास बैठकर, और उस आटे को वापस उठा लाएं, फिर उससे रोटी बनाकर किसी बैल यानी नंदी को या गाय के बछड़े को खिला दें। आपकी
कैसी भी समस्या है दूर हो जाएगी। ये आपकी कैसी भी मनोकामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण होगी। ये बहुत ही अचूक उपाय है। यदि मैं इसे ब्रह्मास्त्र भी कहूँ तो कम ही होगा। आप कर देखें। कैसी भी समस्या, यदि आपके यहाँ बिल्कुल ही धन लक्ष्मी की कमी हो गई है, पैसे की कमी हो गई है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इसे लगातार 4-5 प्रदोष के दिन करना ही पड़ेगा। एक ही प्रदोष में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फायदा दिखने लगे, लेकिन जब तक ये आप लगातार नहीं करते, इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कर देखें, विश्वास बनाए रखें, श्रद्धा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।